अगर भारत कतर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है तो जैसे उसने भारत के नौसैनिकों को पर अपने ज्यादती दिखाई है, वैसे ही वो फ्यूचर में भी ऐसा करता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले खबर आई है कि कतर ने टाइगर 3 फिल्म को बैन कर दिया है। इसके साथ दिवाली में भी कतर में भारतीय स्कूलों को खुला रखा गया था और अब कतर ने भारत के L&T के ऊपर भी टैक्स पेनल्टी ठोक दी है, जिसमे 239 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। वही L&T ने ये कहा है कि ये पेनल्टी अप्रैल 2016 से मार्च 2018 के लिए है और कतर ने इस पुराने मसले को खोद कर निकाला है ताकि भारत को वो हर एक एंगल से खींच सके। लेकिन खास बात तो यह है कि L&T भारत की ऐसी दिग्गज कंपनी है जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा पसंदीदा है, क्योंकि जो सर्विस L&T देती है वो इतनी कॉस्ट इफेक्टिव होती है कि और कोई कंपनी वो नहीं दे पाता है। पर ये पेनल्टी जो L&T को दिया गया है वो तो सिर्फ एक बहाना है। असली बात तो यह है कि L&T के बगैर कतर का एक दिन भी नहीं पूरा हो सकता है। पर अभी जो कतर का हाल है वो ऐसे ही उल्टा पुल्टा काम करके खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है और भविष्य में कतर इस बात को जरूर समझ जाएगा कि भारत के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सऊदी और UAE भारत के साथ काम करके आज एक ऊंचे लेवल पे जा चुका है जिससे उनके GDP और इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट अप मिला है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।